हमारी बटर चकरी रेडी है। चावल और पोहे से मिलके जो बटर चकली निकली है देखिए गाइस, और जो काले तिल है हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस। बटर चकली बनाएंगे। बटर चकली के लिए मैंने चावल का आटा लिया है, दो बड़े कटोरी। इसमें है ना मैंने पोहा, जो हमारा पोहा होता है ना वो मैंने पाव कटोरी मतलब ऐसा वाटी हुआ था। ये भी देखो पाव वाटी डालिए का पाउडर है। अदरक मिर्ची का पेस्ट डालेंगे हम लोग, रेड मिर्ची यूज नहीं करेंगे। देखिए गाइस ये बटर है अभी घर का निकला हुआ, जो हम आप लोग मराठी में बोलते हैं लोणी। तो ये देखिए मैंने दो टेबलस्पून भर के ये डाला है। इसमें डालेंगे हम नमक। ये देखिए गाइस अजवाइन, अजवाइन को ऐसा हाथ से, आज अभी मैं काला तिल डाल रही हूँ चकली में। गरम पानी को मैंने क्या किया है, मिर्ची का जो पेस्ट हमने पीसा था ना उसके अंदर डाल के जरा उसको हिला लेंगे तो हमारा जो मिर्ची अटका था ना वो निकल जाएगा सब। देखिए गाइस ये देखिए खड्डा करेंगे और इसके ये देखो लोणी के ऊपर इसको डालेंगे तो लोणी पिघल जाएगी, यानी बटर बटर पिघल जाएगा। अभी दो मिनट हाथ लगाने जैसा नहीं है, गरम गरम पानी डाला है तो थोड़ी देर के बाद हम उसको गूंदेंगे। देखिए गाइस हाथ लगाए इतना हो चुका है, अभी हम उसको मस्त सॉफ्ट डो बना देंगे। अगर आटा गूंदते समय पानी का जरूरत पड़ा तो ठंडा पानी नहीं डालेंगे, हम गर्म पानी ही करके डालना है। आटा गूंद चुका है, देखिए गाइस कितना सॉफ्ट आटा अच्छे से बनाया है। ऐसा सॉफ्ट बनाना है, कड़क होगा तो आपकी चकली टूट जाएगी। बटर चकली है गाइस देखिए, अभी 10 मिनट रेस्ट देने के बाद हम चकलियां निकालेंगे। 10 मिनट का रेस्ट हो चुका है गाइस, देखिए ये आटे को थोड़ा सा हम और थोड़ा गूंद लेंगे, जितना गूंदेंगे इतना अपना चकली मस्त होगा। देखिए गाइस ये मेरे पास एक गन वाला साचा है, गन यानी आप समझ गए होंगे प्रेस करने वाला। घन में डाल दिया था, अभी देखिए गाइस, देखिए गाइस जितना बड़ा चाहिए उतना बना सकते हैं। देखिए गाइस हमने चकली निकाल ली है, देखिए गाइस ये ट्रायल के लिए डाला था, देखिए ये अच्छे से फ्लोट हो रहा है मतलब अपना चकली परफेक्ट हुई है, आटा प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम ये डाल के देखेंगे, बहुत इजीली जा रही है गाइस, अच्छी बनी है, ये नीचे से ऊपर आ रहा है मतलब हमारा परफेक्ट हुआ है डो। अभी चमचा नहीं लगाना है, झाला नहीं लगाना है, ऐसे ही उसको कुक होने दीजिए। हम अभी पलटेंगे, ये ऊपर आ चुकी है देखिए, देखिए गाइस अभी देख रहे हैं मैं सेकेंड बैच डाल रही हूँ, मस्त नहीं अभी आराम से, अभी फोर डाल दिया अभी बस। देखिए गाइस सेकेंड बैच भी रेडी है, ऐसे ही हम सारी चकलियां कर ले। देखिए गाइस हमारी बटर चकली रेडी है, चावल और पोहे से मिलके जो बटर चकली निकली है देखिए गाइस, और जो काले तिल है हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं देखिए गाइस, और कलर भी कितना लाइट है क्योंकि हमने कोई हल्दी मसाला नहीं डाला है इसीलिए इसका कलर एकदम लाइट हुआ है। देखिए गाइस इफ यू लाइक माय रेसिपीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंजॉय।